हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने किस लिया है। अब हम गैस जला के कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और थोड़ा सा बटर डाला है, 1 स्पून जिंजर पेस्ट। अब हम जिंजर को डाल देंगे। इसके बाद हमने 1 प्याज ली है मीडियम साइज की, 3-4 हरी मिर्ची ली है, इनको बारीक काट लिया है। अब इनको भी डाल देंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। सभी फ्रेंडों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्याज अच्छे से भुन गई है, अब हम पनीर को डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद 2 मिनट चलाएंगे, फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 से भी थोड़ी कम दालचीनी पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला नहीं हो तो किसी खटाई भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो खाने को स्पाइसी और स्वादिष्ट बनाती है। फिर हम सब इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि पनीर ने जो पानी छोड़ा है वो हम पानी को सुखाएंगे। इसके बाद हम धनिया को डालेंगे, फिर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनें। पूरा पानी जब सूख जाए फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखो फ्रेंड, पानी अच्छे से सूख गया है और हमारी पनीर अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आटा लगाते हैं। अब हम आटे की थोड़ी सी लोई को तोड़ के फिर हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। अब हम इसमें पनीर मसाला भरेंगे। पनीर को अच्छे से भर दें, जिससे खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ा आए। 3-4 चम्मच अच्छे से भर दें, फिर लोई को चारों तरफ से किनारे पकड़ के बंद कर दें, जैसे हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं, इसी तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हो जाएगी। हम एक बार और बताते हैं, थोड़ा सा आटा लेके हम बेलेंगे, फिर इसमें हम पनीर मसाला अच्छे से भरेंगे। 2 चम्मच अच्छे से भर के इसमें डालें और फिर चारों तरफ से किनारियों को पकड़ें अच्छे से और इनको दबा दें, बंद कर दें। इस तरह से लोई हो जाएगी, फिर अब हम इसको बेलेंगे। इस तरह से भरेंगे ना तो बिल्कुल नहीं फटेगी और बेलने में बहुत अच्छे से आ जाएगा। गैस पे तवा रखें, जब तवा गर्म हो जाए तब हम पराठे को डाल देंगे। जब पराठे एक साइड से अच्छे से सिक जाए तो हम इसको पलट देंगे। अब हम एक बार फिर इसको पलट देंगे। इसके बाद हम इस पराठे में बटर से सेकेंगे। फ्रेंड, बटर की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो अवेलेबल हो उसको लगा सकते हैं। हमारे बच्चों को बटर पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से सेकें, थोड़ी सी गैस सिम कर ही पराठे को सेकें तो पराठे क्या क्रिस्पी बनेंगे। देखो फ्रेंड, कितना अच्छा पराठा सिका है। इसी तरीके से हम और भी पराठे को बनाएंगे। फ्रेंड, इसे पिकल के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए। अब खा के देखते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट लग रहा है, कितना टेस्टी बना है। हम आपको एक बार खोल के दिखाते हैं। देखो फ्रेंड, कितना हमारा पनीर इसके अंदर भरा है। इतना टेस्टी और लाजवाब पराठा है।
आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बाय फ्रेंड, अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं।